नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दो ऐसे फेस पैक्स जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फेस के लिए। बट बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपलोड्स। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, यू आर वॉचिंग रैबीज फैशंस एंड आई एम स्वानाली। तो चलिए आज के वीडियो में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सैंडलवुड पेस्ट बना लिया है। पूजा में हम कई बार यूज करते हैं जो सैंडल वुड, उस वुड को अच्छी तरह रब करके आपको अबाउट 4 teaspoons ऑफ सैंडल वुड पेस्ट लेना है। मैंने यहाँ पे 4 teaspoons ऑफ सैंडल वुड पेस्ट लिया है। यहाँ पे आप सैंडल वुड पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में मिलता है, बट ऑब्वियसली दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ क्लीन पेस्ट बना है एंड दिस इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे यहाँ पे रोज़ पाउडर। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर योर फेस। किसी भी टाइप का स्किन प्रॉब्लम्स है, सेंसिटिव स्किन है आपका, फिर भी इसे यूज़ करके देख सकते हैं कमाल का आपको रिजल्ट्स मिलने वाला है और बहुत ही जल्दी। ऐसा नहीं है कि आपको यूज़ करते रहना है बहुत दिनों तक एंड यू हैव टू सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट, नथिंग लाइक दैट। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे मैंने अबाउट 1.5 teaspoons या फिर 2 teaspoons आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दिस रोज पाउडर फ्रॉम ऑरिगन्स एंड आई एम जस्ट मिक्सिंग इट। आप देख सकते हैं बिल्कुल सोक कर चुका है। इसमें हम क्या करेंगे, रोज़ वाटर आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आपका फेवरेट जो भी आप टोनर यूज़ करते हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर थोड़ा थोड़ा करके 1 teaspoon या 2 teaspoons करके आप ऐड करो ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, थोड़ा सा थिक टाइप का कंसिस्टेंसी है, फ्लोई टाइप का कंसिस्टेंसी नहीं है। अब चलिए इसको अप्लाई करके दिखा देते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वॉश माई फेस विथ अ फेस वॉश। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप किसी भी टाइप का स्किन केयर करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग इट। आप यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा सा बिफोर अप्लाइंग आप थोड़ा सा इसको मिक्स कर लीजिए, ठीक है, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग इट। कितने दिन तक अगर आप पूछोगे कि स्टोर कर सकते हैं, आप इसे आराम से 5 to 6 days तक स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसे आपको रेगुलर अप्लाई करना है। मैंने जितना क्वांटिटी यहाँ पे बनाया है वो आपको 4 to 5 days तक चलने वाला है एंड दिस इज़ रियली वेरी इफेक्टिव एंड ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू गेट अ ग्लोइंग ब्यूटिफुल स्किन। अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है देन आप यहाँ पे एवरीडे बना सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस। फेस्टिवल्स आने वाला है तो फेस्टिव ग्लो तो चाहिए फेस पे, तो आप ये दोनों फेस पैक्स आप ट्राई कर सकते हो। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस टू फेस पैक्स, टुडे आई एम शेयरिंग विथ यू टू सच इफेक्टिव नेचुरल फेस पैक्स एंड मैं दोनों को ही आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ, बट ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट डेज पे ताकि आप डिफरेंस नोटिस कर पाओ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। आप चाहो तो अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर 10 to 15 minutes, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा आप देख सकते हैं एंड यू हैव टू जस्ट वॉश इट ऑफ। रोज़ पाउडर आपके स्किन को क्लियर आउट करता है, जितना भी एक्सेस ऑयल है स्किन में उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे ग्लो, थोड़ा सा भी मेकअप नहीं है मेरे फेस पे, कोई हाइलाइटर नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं। आई जस्ट वॉश्ड माय फेस एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा बट ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके फेस को। पीएच बैलेंस को ये मेंटेन रखता है जिसकी वजह से आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाता, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है आपके फेस को। ओके, नाउ लेट्स मेक द सेकेंड फेस पैक। इसके लिए हमें चाहिए ऑरिगन्स रोज पाउडर का 2 teaspoons, ठीक है। यहाँ पे आप 1.5 teaspoons आप ले सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आप कम ज़्यादा कर रहे हो देन रेशियो आपको ठीक रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऐड करना है हनी। मैंने यहाँ पे पतंजलि का हनी यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। 1 teaspoon आप भर के इसमें हनी डाल लीजिए एंड नेक्स्ट वी विल ऐड अबाउट 1.5 teaspoons ऑफ योगर्ट। इसको मिक्स कीजिए, आप देखोगे कि काफ़ी यू नो ये ड्राइंग है,
तो आप थोड़ा सा इसमें आपका फेवरेट वाला जो भी आपको पसंद है, जो भी आप यूज़ करते हो, जो आपको स्किन को सूट करता है, कोई भी आप टोनर यूज़ कर लो। ये वाला जो टोनर मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ अ होममेड टोनर, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, इसको आप मिक्स कर लीजिए जब तक ना आपको एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा रनी या फिर फ्लोई टाइप का कंसिस्टेंसी नहीं होगा, थोड़ा सा थिक क्रीमी टाइप का कंसिस्टेंसी देख लो, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं 3 to 4 days के लिए रेफ्रिजरेटर में। इसमें योगर्ट है तो ये थोड़ा सा जल्दी शायद ख़राब हो सकता है, तो उस हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ ये 3 to 4 days तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। एंड आपको ये दिन में 2 बार आप अप्लाई कर सकते हो। एंड आई वुड से दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव फेस पैक टू रिमूव ऑल द टैन फ्रॉम योर स्किन, क्योंकि इसमें है योगर्ट एंड योगर्ट में होता है लैक्टिक एसिड, जो आपके फेस में जितना भी टैनिंग का प्रॉब्लम है, सनबर्न्स की प्रॉब्लम है, उसे ठीक करेगा। हमने ऐड किया है यहाँ पे टोनर। टोनर आपके जितना भी पोर्स है फेस में उसे ये श्रिंक कर देता है, जिसकी वजह से डर्ट एंड ऑल्सो जितना भी पोर्स में जितना भी डर्ट रहता है ना, उसको क्लीन करता है, जिसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड हमने यहाँ पे ऐड किया है हनी। हनी में होता है इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, प्लस ये आपके रिंकल्स को भी ठीक करता है। ओके, एंड लास्ट में हमने ऐड किया था जो मेन इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे ऐड किया था, दैट वाज रोज़ पाउडर, ऑरिगेंस रोज़ पाउडर। रोज़ आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। ड्यूरिंग द समर सीजन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, जितना भी एक्सेस ऑयल सिक्रीट होता है उसे ये अब्जॉर्ब कर लेगा, एंड आपके फेस को ना बहुत ज़्यादा ड्राई होने देगा ना बहुत ज़्यादा ऑयली, तो ये पीएच बैलेंस को मेंटेन रखेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है इसमें, आपके स्किन को ये सूद डाउन करेगा, इरिटेटेड स्किन को ये काम डाउन करेगा, एक्ने एक्जिमा एंड डर्माटाइटिस जैसे बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, दिस अमेजिंग रोज़ पाउडर। यू शुड यूज़ सच रोज़ पाउडर फॉर योर स्किन ट्रीटमेंट। ओके, स्कार्स रिंकल्स पे भी ये कमाल का काम करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है आपके स्किन को, एंड आपके स्किन टिश्यूज़ को रिजेनरेट करने में भी हेल्प करता है। आई हैव अप्लाइड दिस ऑल ओवर माई फेस विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। आप यहाँ पे ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट इट ड्राई फॉर 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स लग जाता है इसको ड्राई होने में। थिक लेयर अप्लाई कर लीजिए एंड जस्ट वॉश इट ऑफ। आप देख सकते हैं स्किन में ग्लो कितना, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, मैं वही रब करके आपको दिखा रही थी, फेस पे ऑयल नहीं है, बट एक ब्यूटीफुल सा इनर ग्लो आपको मिलने वाला है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन। आई होप यू विल रियली रियली लाइक इट। अब चलिए बात कर लेते हैं आज जो हमने मेन जो प्रोडक्ट यूज़ किया है उसके बारे में, दैट इज़ ऑरिगेंस रोज पेटल पाउडर। दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट, दिस इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल एंड प्योर। ओके, सो रोज पेटल पाउडर में कोई भी एडेड केमिकल्स नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, एंड नेचुरल तरीके से स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। प्लस इसमें कोई भी एडेड कोई इंग्रेडिएंट भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल प्योर फॉर्म आपको मिलता है। ये इंडियन प्रोडक्ट है, नेट पर आपको मिलता है 100 ग्राम्स का प्रोडक्ट। ये आपके स्किन को नरिश करेगा, टोन करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, एंड अच्छी तरह क्लींस आउट कर देगा, जितना भी डर्ट है आपकी स्किन में उसको ये क्लींस आउट करेगा, एंड एक क्लियर कम्प्लेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। ये आपके स्किन में एज अ नेचुरल क्लिंजर काम करेगा, सन डैमेज से ये प्रोटेक्ट करेगा। विटामिन सी है इसमें, जिसकी वजह से सनबर्न स्किन भी बहुत ज़्यादा सूदिंग होगा सनबर्न स्किन के लिए। एजिंग प्रोसेस या फिर रिंकल्स को ये काफ़ी हद तक ट्रीट कर देगा, ब्लेमिशेस को ट्रीट करेगा। ये आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन द कमिंग अप वीडियोज़ आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ रेमेडीज़, बट इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 2 बेस्ट रेमेडीज़ शेयर किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं, अच्छी तरह आप इसे ट्राई करके देखो, एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको ये मिलता है 297 रुपीज़ में, बट शायद आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होने वाला है। ये आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे एक्सक्लूसिवली मिलने वाला है। ये 24 मंथ्स इसका शेल्फ लाइफ है, एंड दिस एंड ऑरिगेंस का मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। मैं एक जो प्लेलिस्ट है वो भी क्रिएट कर दूँगी, आपको मिल जाएगा उसमें ऑरिगेंस प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़ एंड द थिंग्स आई हैव ट्राइड
विद दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट. मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये दोनों ही फेस पैक. काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है एंड हेल्पफुल है, नेचुरल है.